और कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। तो आज मैं जिस मोहतरमा के बारे में बताऊंगा और जिनकी दिलकश कहानी सुनाऊंगा, उनका नाम है नेहा गुप्ता। ये आजकल कई कमसिन हसीना वेब सीरीज दुनिया में अपना जलवा दिखा रही है और उन्हीं में से एक है नेहा गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप नेहा गुप्ता को तहलका मचाते किन किन वेब सीरीज में देख सकते हैं। मैं इसी तरह वेब सीरीज दुनिया की कई कमसिन हसीना पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप गर्मा गर्म वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चरम सुख मजबूरी ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई गई है एक मालदारी औरत की, जिसका पति मर चुका और जो अपनी बेटी के साथ रहती है। एक हौसी आदमी इस मालदारी औरत को देखने आता और इसकी बेटी की गदराई जवानी देखकर इसे शादी कर लेता है। हौसी आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाता है, लेकिन अपनी सौतेली बेटी को भी खोपचे में लेना चाहता है। किंतु असली तबाही तो तब मचती है जब इसकी सौतेली बेटी इसके साथ गाना गाने से और इसके साथ पलंग हिलाने से इनकार कर देती है। तो ये हौसी आदमी माँ बेटी दोनों को कैसे एक साथ माँ बनाता है, ये जानने के आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। चरम सुख तपन ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी रिया नाम की एक लड़की की है, जो कली से खिलकर फूल हो गई है और किसी के साथ मस्ती करना चाहती है। रिया के सुनसान जिंदगी में बाहर तब आता है जब रिया की बहन रश्मि अपने पति के साथ घर आती है। रिया अपने जीजू को पाने के लिए और उनके साथ तबाही मचाने के लिए अपना जलवा दिखाने लगती है। लेकिन रिया का जीजा बड़ा हरामी रहता है, जो रिया के साथ नहीं बल्कि रिया की दोस्त पायल के साथ कांड कर देता है। तो रिया अपने भटके जीजा को कैसे वापस लाती है और कैसे गुलछर्रे उड़ाती है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। बाबा रेंचो और वर्जिन भूत ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी बाबा रेंचो की है, जो भूतों को भगाते हैं और उनकी लंका लगाते हैं। वैसे आजकल बाबा जी का धंधा मंदा चल रहा है, लेकिन एक फैमिली के तरफ से भूत को भगाने का और कुछ पैसा कमाने का मौका आता है। बाबा रेंचो जब भूत को भगाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अमर नाम का एक लड़का था, जो इस घर की प्रेमा नाम की एक लड़की से प्यार करता था। किंतु प्रेमा बहुत रंगीली थी, जो अमर को कुछ नहीं देती थी और दूसरे लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी। तो अमर अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए और इनके घर से भागने के लिए एक बार प्रेमा के साथ सोना चाहता है। बाबा रेंचो यमर का प्रेमा से मिलन भी करवाता और इस घर की कई औरतों को अपने साथ भी सुलाता है। चरम योग ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी गांव की तीन कमसिन हसीना विमला, पारो और सुमन की है, जो अभी तक कुंवारी हैं। इस गांव में चरम योग नाम की एक प्रथा है, जिसमें लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ सोने का मौका दिया जाता है और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों की शादी करा दी जाती है। विमला की बहन पारो की शादी एक हैंडसम लड़के से हो जाती है, इसलिए विमला भी अपनी शादी एक हैंडसम लड़के से करना चाहती है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब विमला हैंडसम के चक्कर में एक ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जो विमला को खुश नहीं कर पाता है। तो विमला और सुमन के जिंदगी में खुशी कैसे आती है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। इकसठ बासठ अदला बदली ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी रॉकी और पहलवान सिंह की है, जो अपनी अपनी वाइफ के साथ जिंदगी का मजा उठा रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों रोज रोज दाल चावल खाकर परेशान हो जाते हैं तो एक रोज बिरयानी खाने का फैसला करते हैं। यानी कि ये दोनों दोस्त कुछ नया करने के लिए अपनी अपनी वाइफ की अदला बदली कर लेते हैं। जहाँ पहलवान सिंह को शहर की गोरी मैडम का जलवा देखने को मिलता है, वहीं रॉकी गाँव की गोरी के साथ जंगल एवं पहाड़ की सैर करने लगता है। इस वेब सीरीज में शहर की मैडम और गाँव की गोरी के रोल में नजर आई है हिरल रदाडिया और नेहा गुप्ता।